नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर और एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम आज विजिट करने वाले हैं पालनपुर सिविल की। तो गाइज, अभी मैं पहुंच चुका हूं पालनपुर सिविल। पालनपुर सिविल के अंदर आते ही यहां पर आपको बाई तरफ है वो सबसे पहले केस निकलवाना होता है, वो सुबह 9 बजे चालू हो जाता है। यहाँ पर लाइन में लग के यहाँ से केस निकलवाना होता है। केस लेने के बाद आपको सीधे यहाँ पर आ जाना है ART सेंटर के अंदर। अलग अलग ब्लॉक है तो ब्लॉक वाइज आपको कैटेगरी वाइज डॉक्टर से मुलाकात करनी होगी है। जो अपॉइंटमेंट देंगे वो लाइन टू लाइन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलग अलग स्किन के लिए यहाँ पर है, वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग है। और यहाँ पर फ्री वाईफाई जोन भी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई, साफ सफाई तो अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं भैया साफ सफाई कर रहे हैं। और ये बाकी के ब्लॉक है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डेंटल क्लिनिक के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग, यहाँ पर आपको सोनोग्राफी रिलेटेड मिल जाएंगे। यहाँ पर सोनोग्राफी होती है और वैसे अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग है। ये पूरा हॉस्पिटल का व्यू अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है। और वहाँ पर है वो जनरल मेडिसिन है, वहाँ पर है वो जनरल मेडिसिन है, यहाँ पर देख सकते हैं। ये रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर ऑर्थोपेडिक, यहाँ पर चाइल्ड वेलफेयर क्लिनिक, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी एम्बुलेंस खड़ी है। और यहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का काम चल रहा है। और ये है एम्बुलेंस वैन। और इसका बनास मेडिकल कॉलेज भी यहीं पर है। मैं यहाँ पर आया था एक फ्रेंड के साथ दवाई करने के लिए 108 दवाई करने के बाद आपको यहाँ पर है वो मेडिसिन मिल जाएगी। मोस्ट ऑफ मेडिसिन आपको यहीं पर मिल जाएगी। अगर कुछ मेडिसिन यहाँ पर नहीं मिलती है तो वो आप बाहर जाकर प्राइवेट मेडिकल से आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही एक आपको खाने के लिए कैंटीन मिल जाएगी। और ये है कैंटीन, जनरल हॉस्पिटल अन्नपूर्णा भवन कैंटीन, यहीं पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये रहेगी कैंटीन खाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं PM केयर्स के तहत मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। एक प्लांट यहाँ पर है और एक शायद प्लांट वो है, ऑक्सीजन प्लांट है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंट्रल लेबोरेटरी है, तो यहाँ पर आप सभी रिपोर्ट करवा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी कई सारी फैसिलिटी है वो यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर ही मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजराती में लिखा हुआ है बनास मेडिकल कॉलेज जनरल हॉस्पिटल पालनपुर में। ये सारी सुविधाएँ उपलब्ध है, आप देख सकते हैं ये सारी सुविधाएँ हैं वो पालनपुर हॉस्पिटल सिविल के अंदर उपलब्ध है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हॉस्पिटल के अंदर ही आपको बाइक के लिए पार्किंग मिल जाएगी। यहाँ पर आप टू व्हीलर है वो यहाँ पर आप पार्किंग कर सकते हैं। ये पूरा एरिया टू व्हीलर पार्किंग के लिए है। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलता है हमें
तो हम आगे एक एक डिपार्टमेंट का सेपरेट वीडियो बनाएंगे पालनपुर सिविल के बारे में। मैं यहाँ पर आया था मेरे फ्रेंड के साथ दवाई कराने के लिए, और मैं भी यहाँ पर दो तीन बार दवाई करा चुका हूँ। मेरा अगर पर्सनल एक्सपीरियंस कहा जाए तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस के तहत डॉक्टर का स्टाफ है वो काफ़ी अच्छा है, बाकी सभी स्टाफ है वो बहुत ही अच्छे हैं। तो ये एक कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो था पालनपुर सिविल के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, या अगर अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपका कुछ मंतव्य है तो हमें कॉमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।